पेस काफी पिट भी चुका था वैशाली, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट सिनारियो को देखकर एक सिनारियो सा बनता हुआ दिख रहा है। अगर यूएस में एक थोड़ा सा पॉज हाइक की बात की जा रही है या कम रेट हाइक की बात की जा रही है, हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इंडिया से, लेकिन सेंटिमेंटली क्या रियल एस्टेट स्पेस में आपको कुछ बेटर बेट्स दिखती हैं? आप इन स्टॉक्स पर भी राय दे सकती हैं। डेफिनेटली. सो एक्चुअली देखा जाए तो रियल एस्टेट पूरा सेक्टर ही है, उसमें थोड़ा इट इज कमिंग आउट ऑफ द वुड्स नेगेटिव टेरिटरी से, इट इज गिविंग अ बाउंस बैक. सो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहेगा डीएलएफ पे. सो डीएलएफ 340 का नाउ सपोर्ट मैं मानूंगी, और प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहे हैं यहाँ से 380 to 400 लेवल्स एज नियर टर्म. और इसके अलावा मैं सनटेक पे भी ध्यान देती हूँ, और फिनिक्स इज अ पॉजिटिव स्टॉक, और फिनिक्स में मेरा टारगेट आ रहा है 1500 एज नियर टर्म. फिनिक्स मिल्स आप जरूर से अपने रेडार पे रखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों एक तरह से कंबाइन कर रहे हैं। ये देखिए, मोतीलाल ने 1700 का भाव दिया है, वैशाली 1500 का भाव दे रही है। अगर आपको याद होगा, 1-1.5 महीने पहले ही फिनिक्स के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा ग्रोथ प्लान शेयर किया है एक्सचेंजेस पे, और जिसमें बोला है कि टियर 2 टियर 3 में उनका नए मॉल्स खोलने का बहुत बड़ा इरादा है। और आपने देखा ही होगा कि इनकी जो दो मॉल है, एक लुधियाना में एक लखनऊ में, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक उन्होंने अहमदाबाद भी लास्ट वक्त लास्ट लास्ट मंथ खोला था। तो ये टियर 2 टियर 3 में जो मॉल कल्चर बढ़ रहा है उस पर एक डायरेक्ट प्ले है, और उन्होंने अपना सक्सेस, ऑफकोर्स अगर आप मुंबई में जानकारी रखते हो तो फिनिक्स में ऑलरेडी बहुत बड़ा सक्सेस मॉडल शोकेस किया है। इसको आप ज़रूर अपने रेडार पर रखिए। आगे बढ़ते कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें। स्टर्लिंग एंड विल्सन, इनफैक्ट ये अपने भसीन साहब का बड़ा फेवरेट स्टॉक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन लेके आइए डॉक्टर साहब। वहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन 300 रुपये का भाव है, 2% नीचे था। इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। ये आपका रिन्यूएबल में बड़ा सॉलिड प्ले है। किरण, कल शाम को इसमें 2100 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भी आया, एक्साइटेड हो सकता है स्टॉक। 6 महीने में फ्लैट है, लेकिन नीचे के भाव से रिकवर भी किया है, 250 260 से रिकवर होके 305 पे है। क्या ये अच्छा एंट्री का भाव है किरण? स्टर्लिंग एंड विल्सन की अगर हम बात करें तो एक हमने देखा था कि 500 रुपीज तक के एक पिक बने थे, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब वो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट है, साथ ही साथ स्टॉक में हमने देखा कि लास्ट वीक में अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर में 330 340 का एक हाई बनाया, वहां से अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न बनी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है 280 to 270 के आसपास का कुछ स्टॉप लॉस बन रहा है, जहाँ पे उसकी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, लुकिंग एट टेक्निकल चार्ट 270 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। अगर 270 का लेवल होल्ड रखता है ये स्टॉक तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें वापस 340 तक की एक रैली देख सकते हैं, और 340 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हो जाए तो उसके बाद हम 400 तक की भी एक रैली डेफिनेटली स्टर्लिंग विल्सन में देख सकते हैं। तो लुकिंग एट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न 270 का स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस से स्टर्लिंग एंड विल्सन लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट।